एंड वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, आज की क्लास टू है ना, टाइम एंड वर्क का क्लास टू की बात करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करके बताओ, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज वाइल बी इन 30 डेज, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज और वाइल बी इन 30 डेज। नंबर वन, कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो, कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो, कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो। नंबर टू, इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर, इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर, हाँ इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर। आगे नंबर तीन देखो, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड दे वर्क्स फॉर, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड दे वर्क्स फॉर 8 डेज, एंड दे वर्क्स फॉर 8 डेज। आफ्टर दैट After that, A left the work. Calculate the time in which B can do the remaining work. 10 days. Calculate the time in which B can do the remaining work. 20 और 30 का एलसीएम कितना सोचेंगे? 60 सोचेंगे, क्योंकि दोनों से डिवाइड जाता है। इससे कितने गुना? 3 गुना। इससे कितने गुना? 2 गुना। बताओ 60 क्यों सोचा? चाहे ए ईटे लगाए चाहे बी लगाए, कुल कार्य क्या रहेगा? सेम रहेगा, जो क्लास वन में बताया था ना, कल पूरे का पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो कुल कार्य क्या मानेंगे? सेम मानेंगे। इसका एलसीएम कितना सोचा? 60 सोचा। इसका मीनिंग एक दिन में ए कितनी चॉकलेट खा रहा है? 3 चॉकलेट खा रहा है। और बी कितनी खा रहा है? 2। और दोनों में कितनी चॉकलेट खा रहे हैं? 5 खा रहे हैं। तो उनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया? 3:2 आ गया। दोनों में कितने दिन में करेंगे? 60/5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 दिन। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे नंबर तीन देखो क्या कह रहे हैं। इसका मीनिंग एक तो एक दिन में एक कितनी चॉकलेट खा रहा है? 3 चॉकलेट खा रहा है। और बी कितनी खा रहा है? 2 चॉकलेट खा रहा है। क्या खा रहा है? 2 चॉकलेट खा रहा है। ए तो 3 चॉकलेट खा रहा है और बी कितनी चॉकलेट खा रहा है? 2 चॉकलेट खा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड दे वर्क्स फॉर, एक दिन में ए और बी 5 चॉकलेट खाते हैं, 8 दिन में कितने खाएंगे? 40। कुल कार्य कितना था? 60 में से 40 तो हो गया, बाकी कितना रह गया? 20 कौन छोड़ के चला गया? ए। तो कौन करेगा? बी की यूनिट कितनी है? 2 है। तो 20/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 डेज हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक दिन में ए और बी 5 चॉकलेट खाते हैं, 4 दिन में कितनी खाएंगे? एक दिन में और भी 8 दिन में कितनी खाएंगे? 40। 60 में से 40 तो खा ली, बाकी कितनी रहेगी? 20 कौन छोड़ के चला गया? ए। तो कौन करेगा? बी की यूनिट कितनी है? 2 है। तो 20/2 करेंगे, 10 डेज आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक तो समझ आ गया ना। आगे लिखो टाइप 4, आगे हेडिंग बना लो टाइप 4। आपको शीट में से टाइप 4 बनानी है, टाइप 4 बनानी है, ठीक है। जो शीट दी है आपको तो उसमें से टाइप 4 बनानी है। हेडिंग बना लो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा समझो पहले, फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। तो लिखो, इस क्वेश्चन को टिक मार्क कर लेना, ये बेस है। लिखो, ए कैन डू, ए कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क, ए कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। वाइल बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। ए कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। वाइल बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। नंबर वन, कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो।
कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो, कैलकुलेट देयर वर्क एफिशिएंसी रेशियो। नंबर दो, इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर, इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर, इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर। ठीक है, पहले इधर सुनो, अगर मैं आपके सामने ये कहता किसी संख्या का 3/10 हिस्सा 12 है, आप इसको x मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, याद है 3x इक्वल टू कितना हो गया, 3x इक्वल टू 12 गुना 10 करा 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये तो क्लियर है ना सबको। देखो पहले मेरी बात सुनो, जैसे मैं कहता किसी संख्या का 2/9 हिस्सा 10 है, ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है, न्यूमिरेटर है, और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है। न्यूमिरेटर से तो डिवाइड करेंगे, 2 से 10 कितने गुना, 5 गुना, 9 का 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 45। अगर मैं कहता किसी संख्या का 4/10 हिस्सा है, वो 20 है, इससे कितने गुना, 5 गुना, 10 का 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछता किसी संख्या का 3/10 हिस्सा 12 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, वो 40 हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू से तो क्या करेंगे, डिवाइड, नीचे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सुनो पहली लाइन क्या कह रहा है, एक किसी कार्य का 2/5 हिस्सा कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, 2 से 10 कितने गुना, 5 गुना, 5 गुना करेंगे तो एक कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा, क्या करेगा, 25 दिन में करेगा। यहां तक समझ आ गया। और बी 1/3 हिस्सा कितने दिन में करता है, 5 दिन में, 1 से 5 कितने गुना, 5 गुना, 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ए तो 25 दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। समझ आ गया। अब मुझे बताओ 25 और 15 का कुल कार्य कितना सोचेंगे, एलसीएम कितना सोचेंगे, 75 सोचेंगे, इससे कितने गुना, 3 गुना, इससे कितने गुना, 5 गुना हो गया, क्या हो गया, 5 गुना हो गया। तो उनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया, 3:5 आ गया, क्या आ गया, 3:5 आ गया। और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 8 दिन, अरे एक दिन में एक दिन चॉकलेट खा रहा है 3, और बी कितनी खा रहा है, 5, दोनों लेकिन चॉकलेट खा रहे हैं 8, और कुल खा रहे हैं कितना है, 75 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 3/8 एज हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 75 हमारा क्या है, ये टोटल वर्क है, क्या है 75 आपका क्या है, टोटल वर्क है। तो 75 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 3/8 एज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लो फटाफट इसको। जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आगी तो क्या करेंगे, न्यूमिरेटर से तो क्या करेंगे, डिवाइड, और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे, लिखो ए कैन डू 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 5 days, while b can do 3/5 पीस ऑफ वर्क इन 9 days, while b can do 3/5 piece of work in 9 days, and c can do 2/3 part in 8 days, and c can do 2/3 of the work in 8 days. Number 1, calculate their work efficiency ratio.
और नंबर टू इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर, इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर, हाँ इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर। देखो पहले मुझे बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा, बताओ 10 दिन में करेगा। ऊपर वाली वैल्यू से तो क्या करेंगे डिवाइड, नीचे वाले से रोशनी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा। आगे आप बताओ साधना बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा 9 से 3 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15। सी का बताओ 2 से 8 कितने गुना 4 गुना करेंगे तो सी कितने दिन में करेगा 12 दिन में करेगा। तीनों के लिए कुल कार्य क्या रहेगा सेम, कुल कार्य कितना सोचा 60, इससे 6 गुना इससे 4 गुना इससे 5 गुना, यहां तक समझ आ गया। 6 और 4 कितना हो गया 10 और 5 करेंगे कितना हो गया 15 और कुल कार्य कितना है 60 है। अगर उनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो पूछेगा तो कितना आ जाएगा 6:4:5। वर्क एफिशिएंसी रेशियो का मीनिंग क्या, एक दिन में एक ही चॉकलेट खाएगा 6, बी कितनी खाएगा 4 और सी कितनी खाएगा 5। अब तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे 60/ कितना करेंगे 15 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 डेज आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया था सारों ने, बना लिया था। चलो आगे क्वेश्चन और करके बताओ मुझे। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, while B can do the same piece of work, while B can do the same piece of work in 7/1/2 days, while B can do the same piece of work in 7/1, while B can do the same piece of work in 7/1/2 days, in what time, number 1, calculate their work efficiency ratio, और नंबर टू इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर, इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर। देखो ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 7.5 दिन का मीनिंग कितना हो गया 15/2 हो गया, क्या हो गया 15/2। ए तो 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 7/1/2 का मीनिंग कितना हो गया 15/2। जब भी आप नंबर सोचेंगे ना तो हमेशा किसको देखेंगे, न्यूमिरेटर को देख के नंबर सोचेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना सोचा 30 सोचा, क्या सोचा 30 सोचा, 10 से 30 कितने गुना 3 गुना हो गया, क्या हो गया 3 गुना हो गया, यहां तक समझ आ गया। अब 30 से 15 कितने गुना 4, अरे 15 से 30 कितने गुना 2 गुना, ऊपर वाली वैल्यू से तो डिवाइड करते बताया था ना अभी, 30/15/2 हो गया, 15 से 30 कितने गुना 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू से तो क्या करेंगे डिवाइड, नीचे वाले से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो उनकी वर्क एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया 3:4 आ गया, क्या आ गया 3:4, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 30/7 करेंगे कितना आ जाएगा 4:2/7 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 4:2/7 डेज आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब भी क्वेश्चन सोचेंगे ना हमेशा किसको सोचेंगे, न्यूमिरेटर को देख के नंबर, न्यूमिरेटर से तो क्या करेंगे डिवाइड और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब एक क्वेश्चन और समझो, इधर देखो मैं क्या कह रहा, हम दोनों मिलके 5 चॉकलेट खाते हैं, हम दोनों मिलके 5 चॉकलेट खाते हैं, अगर ये 3 खाएंगे तो मैं कितने खाऊंगा 2, हम दोनों मिलके 10 रसगुल्ले खाते हैं, अगर ये 9 खाएंगे तो मैं कितने खाऊंगा 1 खाऊंगा, यहां तक तो क्लियर है। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज।
while B can do alone of the work in 15 days. While B can do alone of the work in 15 days, in what time A can do alone of the work? In what time A can do alone of the work? हाँ, A प्लस B किसी कार्य कितने दिन में करता है? 12 दिन में ही करता है, और B उसी कार्य को 15 दिन में ही करता है, ठीक है? A प्लस B किसी कार्य को 12 दिन में ही करता है, और B उसी कार्य को 15 दिन में ही करता है। 12 और 15 का कुल कार्य कितना सोचा? 60 सोचा, इससे कितने गुना? 5 गुना, इससे कितने गुना? 4 गुना हो गया, क्या हो गया? 4 गुना हो गया, इससे 5 गुना, इससे 4 गुना हो गया, यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो A प्लस B कितनी चॉकलेट खाते हैं? 5 खाता है, और B कितनी खाता है? 4 खाता है, तो एक यूनिट कितनी आ गई? एक आ गई, क्या आ गई? एक आ गई, एक यूनिट कितनी आ गई? एक। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इन व्हाट टाइम A कैन डू अलोन ऑफ द वर्क, कुल कार्य कितना है? 60 है, एक यूनिट कितनी है? 1 है, तो 60 बाय 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 दिन आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 डेज आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, क्लियर है? नोट डाउन कर लो फटाफट इसको। A प्लस B 5 चॉकलेट खाते हैं, B कितनी खाता है? 4, तो एक यूनिट कितनी आ गई? 1 आ गई, और कुल कार्य कितना है? 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डेज आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, क्लियर है? नोट कर लिया भाई सबने? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे। अब इसका फ्रैक्शन का क्या यूज रहेगा उसके अंदर क्वेश्चन आप मिलाते हैं, इसको मिला के जो लिखो क्वेश्चन लिखो। ए डज 4/5 पीस ऑफ वर्क, ए डज 4/5 पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए डज 4/5 पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, then he call B and they finish the remaining work in 3 days. In what time B can do alone of the work? In what time B can do alone of the work? देखो क्वेश्चन को समझो। A किसी कार्य का 4/5 हिस्सा कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। उसके बाद कौन आ गया? B आ गया। और जो A प्लस B ने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करा है? 3 दिन में करा है। किसने? A प्लस B ने रिमेनिंग वर्क लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी अकेला कितने समय में अकेला काम करेगा? ठीक है, पहले मेरी बात सुनो। ए किसी कार्य का 4/5 हिस्सा कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा बताओ? 25 दिन में करेगा, तो कितना आ गया? अभी बता, ऊपर वाली वैल्यू से तो क्या करते हैं? डिवाइड, और नीचे वाले से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 25 दिन आ गया। अब देखो बात सुनो, 4/5 चॉकलेट तो खा ली, 5 में से 4 चॉकलेट तो खाली, बाकी कितना रह गया? 1/5 वर्क कितने दिन में करा? 3 दिन में। किसने? A प्लस B ने करा। 1 से 3 कितने गुना? 3 गुना, तो 5 का 3 गुना करेंगे तो A प्लस B कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे। क्या करेंगे? 15 दिन में करेंगे। समझ आ गया? 4/5 पीस तो कर लिया, बाकी कितना रह गया बताओ? 1/5 रह गया। क्या रह गया? 1/5 कितने दिन में करा? 3 दिन में करा, तो A प्लस B का कितना हो गया? 15। अब 25 और 15 का कुल कार्य कितना सोचेंगे? 75, इससे कितने गुना? 3 गुना, इससे कितने गुना? 5 गुना हो गया। क्या हो गया? 5 गुना हो गया, इससे 3 गुना हो गया, इससे 5 गुना हो गया। यहां तक समझ आ गया? अब A प्लस B कितनी चॉकलेट खाते हैं? 5 चॉकलेट खाते हैं। A कितनी खाता है? 3 खाता है, तो B का यूनिट कितना आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। A प्लस B 5 चॉकलेट खाते हैं, A कितनी खाता है? 3, तो B की यूनिट कितनी आ गई? 2 आ गई। क्या आ गई? 2, और कुल कार्य कितना है? 75 है, तो किसके बारे में पूछ रहे हैं? B के बारे में, तो कुल कार्य कितना है? 75 / 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा?
37 वन बाय टू डेज हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। 75 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ए प्लस बी कितनी चॉकलेट खाते हैं, 5। ए कितनी खाता है, 3 खाता है, तो बी का यूनिट कितना आ गया, 2। और कुल कह रहा है कितना है, 75 बाय 2 करेंगे तो 37 वन बाय 2 डेज हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये कौन सी टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप 4। ये शीट है ना जो, उसमें से टाइप 4 बनानी है साथ में आपको। चलो आगे एक क्वेश्चन और करके बताओ मुझे, लिखो। ए डज 7/10 पार्ट ऑफ वर्क, ए डज 7/10 पार्ट ऑफ वर्क इन 15 डेज। आफ्टर दैट ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, After that he complete the remaining work in 4 days with the help of B. In what time A and B, can finish work together?